गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लॉक लाइन हिस्टोग्राम। आज हम हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? कैन से डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या क्या मेथड पढ़ चुके हैं? डाटा हैंडलिंग, बार ग्राफ पढ़ चुके हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, डबल बार ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, पाई चार्ट, पाई चार्ट, और वो जो और क्या पढ़ चुके हैं? मतलब देखिए हम पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ, डबल बार ग्राफ। ओके, तो पिक्टोग्राफ, डबल बार ग्राफ और पाई चार्ट हम पढ़ चुके हैं। उसमें से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर लेंगे। नहीं, आज हम देखेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है और उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, हिस्टोग्राम। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी क्या है और आपका ये वाली सिंबल आपको पता है ये क्या है? टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स, तो ये दो चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि टेलीमार्क्स क्या है और फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं और आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन में से डेटा दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा, उसको पढ़ के आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी चाहिए और उसके साथ साथ टेलीमार्क्स चाहिए। ठीक है, तो टेलीमार्क्स हम किस यूज करते हैं और फ्रीक्वेंसी हम किसको कहते हैं, उसको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आना चाहिए। बेसिक नॉलेज जब नहीं होगा तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। द टर्म डेटा रिफर्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज वैल्यूज और मेजरमेंट। ठीक है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है ना, उसमें से हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे ना, विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेलीमार्क्स। तो हमें पता है कि डेटा को हम नंबर और सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक सिंपल वे है, अ सिंपल वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इज विद टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स में भी हम उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। टेलीमार्क्स क्या है? टेलीमार्क्स आर वर्टिकल बार दैट आर यूज्ड टू कीप अकाउंट। तो ये एक वर्टिकल बार है। ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है ना, वर्टिकल बार। इसमें से ये कितना लाइन मैंने ड्रॉ किया, चार मैंने लाइन ड्रॉ किया। चार के आगे पांच हम ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, पांच के लिए हम क्या करेंगे ना, ऐसे की क्रॉस लाइन कट लगा देंगे। ठीक है, कट लगाएंगे। ओके, तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, वर्टिकल बार्स आर यूज्ड फॉर एवरी काउंट इन अ काउंट ऑफ फोर। ठीक है, वर्टिकल बार हम जो यूज करते हैं वो चार के लिए यूज करते हैं। चार लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, चार के आगे पांच हम ड्रॉ ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये देखो कि टेलीमार्क्स फोर तक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिफ्थ लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे नहीं, करेंगे तो वो गलत जाएगा। ठीक है, फिफ्थ लाइन को हम ऐसे क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, ये था आपका टेलीमार्क्स। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मींस एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए नंबर ऑफ टाइम्स, वो कितने बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे एक डेटा में से पांच सात बार आ रहा है या तीन बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, तो वो जितने बार आ रहा है उसको ही कहते हैं उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, काउंटिंग द टेलीमार्क्स वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब हम काउंटिंग कर लेंगे टेलीमार्क्स को
जैसे ये एक टेलीमार्क्स है, ठीक है, उसको हम अभी काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये क्रॉस लाइन 5, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 5, ठीक है, ये तो ऐसे हम फ्रीक्वेंसी, जैसे टेलीमार्क्स देख के हम फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, नहीं तो फ्रीक्वेंसी देख के हम टेलीमार्क्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं, टेलीमार्क्स देख के हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को देख के टेलीमार्क्स हम लगा सकते हैं। तो देखते हैं अभी एक एग्जाम्पल लेके, ये देखो एक एग्जांपल्स क्या है ना, द हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन इन सेंटीमीटर। 30 स्टूडेंट का हाइट दे रखा है सेंटीमीटर में, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू शो द डेटा। ये डेटा को शो करने के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमारे पास डेटा क्या है ना, 30 स्टूडेंट का हाइट दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है। यहाँ पे देख रहे हैं 132 है, नेक्स्ट 135 है, नेक्स्ट आपका 131 है, ठीक है, नेक्स्ट आपका 130 है, 134 है, 132, 135 ऐसे आपका है। तो इसमें से हमें पहले छांटना पड़ेगा सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, 130 सबसे लोएस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 135। ओके, तो हाईएस्ट वैल्यू 135, लोएस्ट वैल्यू 130। पहले तो इसको आपको देखना पड़ेगा डेटा में, क्वेश्चन पढ़ के देखोगे कि लोएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हमें ये पता चल गया। तो हम क्या करेंगे ना, अभी काउंट करेंगे 130 कितने बार है, एक ये है 130, देन ये 130, ये 130, 130, 130, 130, ठीक है, और 130 देख लो, 130, 130, 8, तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। तो 8 के लिए पहले हमें क्या करना है ना, टेलीमार्क्स दिखाएंगे, ठीक है, टेलीमार्क्स के लिए क्या करेंगे ना, आठ था ना, 1 2 3 4, 4 के बाद ये 5 हो गया, देन क्या करेंगे 6 7 8, हो गया ना, यस मैम, ओके, यस मैम। देखो ये टेबल में भी दे दिया गया है कि टेलीमार्क्स कितना है, 8 है, अब देख रहे हैं 8 है। फिर से देखो 131 कितना है, 131 आपको इसे देखना पड़ेगा, 131 एक है और दो है, तीन है और एक कहाँ पे है, देखो 131 मैम पांच बार है, मैम 130, हाँ ये 130 के बराबर, तीन है और देखो आप, मैम ये जो 130 के बराबर है, मैम पांच है, ठीक है, ये 131 कितना है ना, 4 है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन 4 ड्रॉ करेंगे, हो गया आपका टेलीमार्क्स, ठीक है, ये देखो टेबल में दे रखा है। ऐसे आप क्या करोगे ना, सारा डेटा को आप ऐसे देखते जाओगे और उसके लिए टेलीमार्क्स, जैसे 132 5 है, तो यहाँ पे देखो 4 लाइन ऐसे ड्रॉ किया और पांचवा के लिए ऐसे क्रॉस किया, ठीक है, ऐसे टेलीमार्क्स लगा दोगे। देन हम क्या करेंगे ना, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसको। तो ये जो है आपका टेलीमार्क्स को देख देख के हमें क्या करेंगे ना, जैसे 130 सेंटीमीटर था तो ये कितना है, काउंट कर लेना कितना है आपका, 8 है तो 8 लिखेंगे, 131 कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे, 132 5 है तो 5 लिखेंगे, 133 4 है, 134 आपका 3 है। तो हमें कैसे पता चल रहा है, ये टेलीमार्क्स देख के पता चल रहा है, ठीक है, 135 आपका कितना है, 5, ये 6 है,
तो ये बताओ ये जो टेबल हम यहाँ पे बनाए तो ये टेबल का नाम क्या है? पहले चार्ट टेबल क्या है ये टेबल का नाम? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये टेबल में हमें क्या चाहिए ना, टेलीमैक्स चाहिए। आइदर टेलीमैक्स दे देगा तो आप फ्रीक्वेंसी लिख दोगे, फ्रीक्वेंसी देगा तो टेलीमैक्स आप बना लोगे, ठीक है। इन दोनों में से क्या करना है ना, एक देगा तो एक बना लोगे। जब दोनों के दोनों कुछ भी नहीं देगा, ना टेलीमैक्स देगा ना फ्रीक्वेंसी देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, डेटा देख के डेटा में से सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, उसको तय करना है। और टोटल कितना है, जैसे यहाँ पे क्या है ना, 130 है, 131 है, 132, 133, 134, 135 तक है, ठीक है। इसको पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक है। उसको क्या करेंगे ना, इसे आपका टेबल बनाएंगे और लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हाइट लिख के, ये सब हाइट था, ठीक है, तो लिख दिए। नेक्स्ट क्या है ना, टेलीमैक्स, टेलीमैक्स कितने बार है, डेटा देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 130 सेंटीमीटर कितने बार था ना, 8 बार था, ठीक है, तो 8 के लिए टेलीमैक्स आप लगाओगे। देन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है लिखोगे 8, ऐसे पूरा कंप्लीट करोगे तभी ये क्या बनेगा ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। तो अभी बताओ स्टूडेंट्स, जो भी हम यहाँ पे क्या किए ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ना, टेलीमैक्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये दोनों चीज हमें खुद निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में से नहीं देगा, ठीक है। ये कर लोगे आप लोग? यस मैम। ओके, सबको समझ में आ गया ये चीज? Yes, ma'am. How to draw frequency distribution table? How to draw frequency distribution table? सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. तो हम next topic पे चलते हैं अभी। ये भी बताओ, यहाँ पे एक question से, calculate the total for the data in the tally marks table. यहाँ पे टैली मार्क्स टेबल दे दिया गया है, आपको भी क्या करना है ना, काउंट करके लिखना है। अभी बताओ सब। मैम पहले में 30 कैसे ना, ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये पांच है, पांच पांच की है, तो कितना हो जाएगा? यस मैम। छह है तो 6 × 5 = 30। नेक्स्ट मैम में देखो, मैम 26 और ग्लू के लिए 26। हाँ, आप ऐसे काउंट करके लिखना है, ठीक है। ओके, और अदर्स के लिए यहाँ पे देखो, 5, 19, 15, 19, 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 19
नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, ये समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डेटा दे देगा और आप ऐसे करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुपिंग डेटा, ठीक है। ये तो था हमारा सिंगल डेटा, जो हम अभी पढ़ के आए वो था सिंगल डेटा। अभी हम ग्रुप कैसे बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप में से आपको क्या चाहिए, एक लोअर लिमिट एक हायर लिमिट चाहिए, तभी ग्रुप बनाएंगे यहाँ से वहां तक, जैसे सलरा टू सदरपुर, ठीक है। और नंबर में लेंगे तो 5 to 7, 7 to 9, 9 to 15, ऐसे आपको क्या चाहिए ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए, ठीक है। एक
दो लिमिट चाहिए तभी हम ग्रुप बना पाए। ओके तो यहाँ पे देखो कि एक टेबल दे रखा है कि पेपर सोल्ड और फ्रीक्वेंसी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और फ्रीक्वेंसी नंबर देखो 18 को 2, 19 को 0, 24 तो देर आर द नंबर ऑफ न्यूज पेपर सोल्ड एट लोकल सब ओवर द लास्ट 10 डेज 10 दिन में से वो क्या कितना क्या पेपर सोल्ड किया है ये यहाँ पे डेटा दे रखा है 22, 20, 18, 23, 20, 25, 22, 20, 18, 20 लेटेस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम्स इस नंबर पे अपीयर्स एंड ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा इसको देख के हम अभी एक फ्रीक्वेंसी डेटा ड्रॉ करेंगे ठीक है We see that ये देखो ये जो आपका एक टेबल दे रखा था क्या था उसमें से ना न्यूज पेपर सोल्ड क्या है 10 दिन में से कितना कितना है वो डेटा यहाँ पे दे रखा है ठीक है तो इसपे क्या है ना आपका क्या क्या दे रखा है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो इसमें से हमें पता होना चाहिए कि लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू क्या है 18 और हाईएस्ट वैल्यू आपका 25 तो ये पहले तय करना है डेटा में नेक्स्ट क्या करेंगे ना उसको ग्रुप बनाएंगे ग्रुप कैसे बनाएंगे जब हमें पता चल गया 18 टू स्टार्ट है 25 तक खत्म है ठीक है हम ग्रुप बनाएंगे बीच में से दो दो का क्या कर सकते हैं डिफरेंस ले सकते हैं तीन तीन डिफरेंस ले सकते हैं मींस 18 टू 20 20 टू 22 22 टू 24 24 टू 26 तो उसमें से आ जाएगा नहीं तो तीन तीन करके भी हम ले सकते हैं गैप ठीक है तो ये देखो पेपर सोल्ड को क्या करेंगे ना 18 टू 20 तो कितना गैप लिया 18 टू 20 दो गैप फिर से 21 टू 23 कितना गैप हुआ दो गैप 24 टू 26 कितना गैप हुआ दो गैप है ठीक है तो ये क्या है ना 2s ले सकते हैं 3s ले सकते हैं 5s ले सकते हैं तो डिफरेंस हम ले लेंगे तो दो दो करके हमने क्या किया ना ग्रुप बना दिया ठीक है 18 टू 20 21 टू 23 24 टू 26 अभी बताओ ये जो ग्रुप तीन ग्रुप बना हुआ है तो इस ग्रुप में सारे डेटा आ जाएगा या नहीं सारे डेटा आ जाएगा या नहीं एक बार बताओ डेटा तो हमें पता था ना 18 टू 25 में तो ये जो ग्रुप हम तीन ग्रुप बना रखे हैं उसमें से 18 टू 25 आ जाएगा या कम पड़ेगा आ जाएगा आ जाएगा बताओ आ जाएगा आ जाएगा मैम तो जैसे हम क्या करेंगे ये देखो हम क्या करेंगे ना जैसे 18 टू 20 था तो 18 और 20 के बीच में से क्या क्या नंबर आ रहा है तो डेटा देख के हम बताएंगे भी हम तो ग्रुप तो बना दिए ठीक है 18 टू 20 नंबर क्या क्या आ रहा है देखो 18 आ रहा है 2 19 0 20 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 4 समझो बात को हम ग्रुप क्या बनाए हैं हम ग्रुप क्या लिए 18 टू 20 लिया ना उसके लिए नंबर क्या आ रहा है देखो 18 टू 20 के बीच में से क्या क्या आ रहा है 18 19 20 तो 18 के लिए हम क्या लेंगे 2 प्लस 19 के क्या 0 20 के लिए 4 तो टोटल वैल्यू कितना हुआ 6 18 टू 20 फ्रीक्वेंसी कितना आया 6 है 6 नंबर है ठीक है फिर से हम क्या करेंगे ना 21 टू 23 तो ये अभी बताओ 21 टू 23 में से क्या क्या नंबर आया 21 आ रहा है 22 आ रहा है 23 आ रहा है तो 21 के लिए हम क्या लेंगे 0 कुछ है ही नहीं प्लस 22 2 लेंगे 23 के लिए 1 लेंगे तो टोटल वैल्यू कितना हुआ 3 हुआ ठीक है फिर से हम क्या लेंगे ना ग्रुप बनाए थे 23 गया ना 24 24 टू 26 24 टू 26 क्या क्या आ रहा है 24 आ रहा है 25 आ रहा है 26 का वैल्यू कुछ है नहीं है जीरो है तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए 24 के लिए हम लिखेंगे 0 प्लस 1 प्लस 0 टोटल नंबर कितना आया 1 आया
ये सबको ऐड कर दो, 6 ये 3 9 ये 1 10 हो गया ना 10। तो डेटा तो वही तो था ना, 10 दिन का कितना पेपर बचा है, वो टोटल आपका कितना था, 10 था। तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल में भी हम 10 निकाले ना नहीं ऐड करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये जो है फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल में से क्या अंतर है। फर्स्ट टेबल में 10 दिन का पेपर बेचा गया है, सेकंड टेबल में भी तो 10 दिन का पेपर बेचा गया है, तो डिफरेंस क्या है ना। फर्स्ट टेबल जो आप देख रहे हैं इसमें से डेटा ग्रुप में नहीं है, सिंगल सिंगल डेटा है, 18 19 20 21 22 23 24 25 सिंगल सिंगल डेटा है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है उसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका टोटल, देखो 4 2 6 2 8 9 10 है ना। और सेकेंड वाला जो टेबल है 18 to 20 21 to 23 24 to 26 इसमें से भी हमारा टोटल कितना वैल्यू आ रहा है, 10। पर डिफरेंस क्या है ना, इसमें से देखो 3 कॉलम में हो गया, ठीक है, 18 to 20 21 to 23 24 to 26 इसमें से हम ग्रुप बना दिए, ठीक है। बट फर्स्ट टेबल में इंडिविजुअल डेटा था, समझ में आ गया ना। पर दोनों एक ही चीज दिखा रहे हैं, 10 दिन का पेपर सोल्व के बारे में ही बता रहे हैं, ठीक है, अलग कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन था बस रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे अलग है। फर्स्ट टेबल में हम सिंगल डाटा रिप्रेजेंट किए हैं और सेकंड टेबल में हम ग्रुप करके डाटा को प्रेजेंट किए हैं, ठीक है, समझ में आएगा ना। ग्रुपिंग कैसे करोगे, हेलो yes, समझ में आया या नहीं एक बार बता दो मैम। ओके नेक्स्ट देखेंगे भी। देखो 2 2 करके ग्रुप बना सकते हो, 3 3 करके भी ग्रुप बना सकते हो, 4 4 करके ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, ग्रुप आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन हम देखेंगे भी रेंज। रेंज किसको कहते हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए डेटा। जैसे ये अभी जो डेटा के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे उसमें से लोएस्ट वैल्यू क्या था, 18 क्या था आपका, 18 था। हाईएस्ट वैल्यू 25 था। इसका रेंज हम निकाल पाएंगे या नहीं, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू, तो 25 से 28 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 18 को 25 था ना, 25 से 18 को हम माइनस करो तो कितना आएगा, 13 नहीं कितना आएगा, 25 माइनस 18 17 क्या कह रहे हैं, 7 7 बताओ कैसे कैसे आंसर दे रहे हो आप। तो 25 से 18 को जब हम माइनस करेंगे तो 7, तब रेंज कितना हो गया, 7 है। तो ये जो डेटा दे रखा था उसका रेंज कितना है, 7 7। तो आपको रेंज पूछेगा तभी आप बता पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि जो भी डेटा दे दिया गया है उसमें से लोएस्ट वैल्यू क्या है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है। जैसे हम जिस डेटा के ऊपर अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें से लोएस्ट वैल्यू 18 था, हाईएस्ट वैल्यू 25 था, तो 25 से 18 को माइनस कर दिए, 7 आ गया, ठीक है, तो रेंज हो गया 7। समझ में आ गया, yes, डेटा दे देगा उसमें से रेंज पूछेगा, आप कर लोगे, yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लोएस्ट का और हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस। पहले आपको लोएस्ट वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, कौन है लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट कौन है, ठीक है, ये दोनों आपको फाइंड करना पड़ेगा, देख ले, देखने से पता चल जाएगा डेटा को, देख के आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको ही ढूंढना पड़ेगा, लोएस्ट वैल्यू क्या है हाईएस्ट वैल्यू क्या है, देन उसको माइनस कर दोगे, देन आपका क्या निकलेगा, रेंज। समझ में आ गया रेंज, अलग चीज होती है। क्लास किसको कहते हैं, तो हम अभी जिसके ऊपर डिस्कस किए थे ना उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है, हम ये वाला डिस्कस किए थे ना 18 to 20 ये ग्रुप बनाए थे ना, देखेंगे तो 18 to 20 ये क्या है, ये एक क्लास है, 21 to 23 ये एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास, यहाँ पे तीन क्लास है यानी तीन ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप में क्या है, लोअर क्लास लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 18 है, हायर लिमिट 20 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, इसमें से भी 2, मैम इसमें से भी 2, ठीक है।